ये देखिए दोस्तों पीतांबरी पाउडर मैं कल खरीद करके लाई हूँ और बैठी हूँ ये पूजा का बर्तन धोने के लिए। और देख लीजिए अभी बर्तन का कलर कैसा है। और तो चलिए ये इससे जो अभी देखिए दोस्तों मैं पैकेट में नहीं फाड़ी हूँ, ये कैंची भी लेकर के बैठी हुई पैकेट फाड़ने के लिए। और ये वीडियो में दोस्तों कट करके नहीं दिखाऊंगी आप सभी को कि लगेगा कि नया बर्तन ला के रख दी है, वैसा बात नहीं है। देखिए ये नया बर्तन है, ये मैं कल ही खरीद कर लाई हूँ पूजा के लिए। और ये सब जो है मेरा पुराना बर्तन है, तो पानी की वजह से देखिए दोस्तों कितना जो है बर्तन ख़राब हो चुका है। तो चलिए ये जो है पाउडर लाए हैं खरीद कर इसी बर्तन के लिए, मल करके देखते हैं कि साफ होता है कि नहीं। और ये बर्तन साफ़ करने के लिए दोस्तों आपको हाथों पे कोई ग्लव पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भी साफ़ करके देख चुकी हूँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है यह पाउडर हाथों को। और बर्तन को तो पूछिए ही मत दोस्तों, इतना चकाचक कर देता है कि क्या बताऊँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पाउडर से मेरी बर्तन जो है उतनी ज़्यादा चकचक करेगी। तो वो सभी मैं दोस्तों आप सभी के लाइव सामने लाइव वीडियो दिखा रही हूँ, इस वीडियो को मैं कट नहीं करूँगी। इसके लिए दोस्तों मैं एक प्लेट ले करके पहले मल के दिखा दे रही हूँ आप सभी को। एक प्लेट से ही पता चल जाएगा आप सभी को कि ये पाउडर जो है प्लेट पर काम करती है कि नहीं करती है, मतलब पीतल तांबे और स्टील और कोई भी बर्तन आप मल सकते हैं इसे। वो पाउडर आप जब लीजिएगा तो उस पर लिखा हुआ है कि आप कौन कौन सा बर्तन जो है इस पाउडर से मल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल एक बर्तन ही लेकर के आपको जो है दिखा रही हूँ। वैसे मैं पहले दोस्तों इस बर्तन को सर्फ से ही मलती थी, लेकिन सर्फ से मलने के बाद जो मेरी पूरी बर्तन सब ख़राब हो गई। देख ही सकते हैं कि मेरे बर्तन की कलर जो है कैसी हो गई है पूजा वाली बर्तन की। इस वजह से मैं दुकानदार से पूछी थी कि जो है पीतल तांबे के बर्तन को मलने के लिए कोई पाउडर अगर आता है तो दीजिए, तो उसी ने मुझे ये आइडिया बताया। तो मैं सोची कि ये वीडियो जो है आप सभी के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप सभी भी इस पाउडर का लाभ उठा सके। और देखिएगा दोस्तों इस बर्तन को जो है कितने अच्छे से ये साफ़ कर देता है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिन की ये बर्तन है पुरानी, इस वजह से सारे बर्तन जो मेरी काली पड़ी हुई है, तो उसे साफ़ करने में तो टाइम लगेगी ही। इस वजह से दोस्तों मैं रगड़ रगड़ के जो है इस बर्तन को साफ़ कर रही हूँ, और ये जो है जल्दी से साफ़ हो ही नहीं रहा है क्योंकि बहुत दिन की बर्तन है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी दम लगानी पड़ रही है। और उसके बाद जो देखिएगा दोस्तों ये पाउडर जो है इस बर्तन पर काम करती है कि नहीं आप सभी को मिल जाएगी। तो चलिए इसे मला हुआ तो हो गया, अब इसे धो लेते हैं। धो लेने के बाद देखिए दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कितनी जो है साफ़ कर दी है ये पाउडर इस बर्तन को। और ये नई वाली बर्तन है, और ये देखिए अभी मल करके मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, और ये पुरानी बर्तन है देखिए। ये देखिए दोस्तों मैं सारी बर्तन धो चुकी हूँ, और देखिए कितना ज़्यादा चकचक हो गया है इससे बर्तन को। मुझे उम्मीद नहीं था कि जो है ये पीतांबरी पाउडर से इतना ज़्यादा बर्तन मेरा चकचक हो जाएगा। और सारी बर्तन जो है देखिए कितना काला था और कितना साफ़ सुथरा हो गया। देखिए थाली को भी मल ली और कटौती को भी मली, देखिए कितना ज़्यादा साफ। सच में ये काम का है, और आप लोग भी लीजिए अगर आप लोग कभी बर्तन काले हो गए हैं तो पीतांबरी पाउडर से जो है बर्तन हुई है और ये बर्तन साफ चकचक हो जाएगा। और आप लीजिएगा दोस्तों पैकेट, उसमें 6 तरह के बर्तन जो है धोने के लिए दिया गया है, वो आप लीजिएगा तो देख लीजिएगा। मेरी बर्तन तो खैर हो चुकी है साफ, ये देखिए कितना चकचक हो चुका पूरे बर्तन और कितना ज़्यादा काला है। ये कटौती भी मैं मली हूँ, ये देखिए। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।